Ya ida. Fizyoterapi söyle hamburger. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सब खुश होंगे। जैसे आप सब ने अभी देखा ना कि मैंने मम्मी को फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ उन्हें ड्रॉप कर दिया एंड ऑलमोस्ट उनका थेरेपी स्टार्ट हो गया था। तो अराउंड 40 मिनट्स लगेगा बोल रहे थे वहाँ का जो अथॉरिटी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना काम कर लूँ, इसलिए मैं निकल के आ गई। तो मम्मी को मैंने बोल दिया कि जैसे इनकेस कम्प्लीट हो जाता है थेरेपी तो मुझे फ़ोन कर देने के लिए। तो अभी मैं जाऊंगी डीके कन्वेंशन हॉल ईटानगर जहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ का मैं रिपोर्टिंग कर लूँगी। उसके बाद मम्मी कॉल करता है तो आके उन्हें ड्रॉप करके फिर मैं अपने काम पे जाऊँगी। तो चलिए दिन का शुरुआत करते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं, चलिए डीके कन्वेंशन हॉल में। मैं जाने वाली थी डीके ऑलमोस्ट पहुँच ही गई थी, बात पता चला है कि हम लोग घर का जो कॉलोनी वाला घर, मैं तो रहती हूँ रेंटेड वाले में, जो मम्मी लोग का जो घर है ईटानगर में मतलब प्राइवेट रेजिडेंट, वहाँ से तीन सिलेंडर्स जो गैस है वो गायब हो गया विद रेगुलेटर। और चोर भी चोर है, ऐसा वाला चोर है जिन्होंने क्या किया, चोरी तो कर लिया लेकिन दरवाजों को अच्छा से लॉक करके उन्होंने गए हैं। तो अभी इसलिए वो भाई लोग की दुकान में मैं FIR लिख रही थी, प्रिंट आउट कर रही थी, अभी मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी। तो क्या बोलूँ, यहाँ का चोर भगवान। और साथ ही साथ मम्मी को भी पिक कर लूँगी क्योंकि मम्मी का थेरेपी का जो सेशन है वो भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए मम्मी को पिक करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं थाना पुलिस स्टेशन यानी कि। तो हम लोग ने FIR दे दिया पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में सीधा अभी घर ही आ गया, घर ही आ गया, बस घर का चढ़ाई चल रहा है। यहाँ पर मम्मी ड्रॉप करेगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी उसके बाद फिर काम पर निकलूँगे। सिलेंडर चोरी करने वाला लोग क्या बोल देंगे उन लोगों। मैं मम्मी को छोड़कर मैं गई नहीं, घर पे रही, सोया सो क्या। अभी 5 बजे हम लोग वापस फिजियोथेरेपी सेंटर में आ चुके हैं। थोड़ा बाद में उनका आई गेस जो थेरेपी है वो स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले आप सब ये देखिए प्यारा सा इको फ्रेंडली बैग जो मुझे कानी नादा मालिक मैम ने दिया है। और मैम ने बोला है कि ये फिजियोथेरेपी सेंटर जो है उनका ही है, और लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर है फिजियोथेरेपिस्ट वही चलाते हैं। तो सुंदर है ये बैग, लकी मैम को भी मिल गया, मैम ने मुझे दे दिया। आई डोंट नो मैं इसे कहाँ भूगल, बट आई एम सो मच टच्ड मैम, थैंक यू सो मच। और इसको मैं जब भी भूगूँगी मैं फ़ोटो खींच के मैं फेसबुक में डालूँगी, इससे अच्छा लगा ना, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा। और देखिए अंदर में ऐसा है कुछ, मैम को एक्चुअली मैम को नीचे में मिल गया था हम लोग, मैम का घर ये पास ही में है। या थैंक यू सो मच मैम, गेटिंग रेडी। मेरी मम्मी ने पूछा माथा में लगाने वाला जेल को लगा रहे हैं। सो अभी उनका शुरू होगा थेरेपी। ये लाइट नहीं देखना है बोला इसलिए उसे किस लेके बैठा है। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और 9:30 हो चुका है। पापी का शाम का थेरेपी करने के बाद में हम लोग सीधे बहन के वहाँ गए और मम्मी को वहाँ पे ड्रॉप किया, फिर मैं प्रेस क्लब गई, वहाँ पे कुछ काम था वो किया, उसके बाद फिर मम्मी को पिक किया। तो मम्मी बेसिकली जो हमारा ईटानगर में छोटा सा जो घर है वहाँ पे बहन आया हुआ है, तो बहन ने डिनर बना दिया था, मम्मी वहीं पे उन्होंने डिनर कर लिया। तो उसके बाद हम सीधा ही आ गए,
तो बेसिकली आज वही था, मम्मी को फिजियोथेरेपी सेंटर जाना, फिर लेके आना, फिर जाना, ऐसे में ख़त्म हो गया। तो होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। एंड बिफोर एंडिंग अब ये ब्लॉग, आई वुड सजेस्ट जो भी अगर जस्ट इन केस अगर ये वीडियो देखता है, जो लोग अरुणाचल में रहते हैं या फिर ईटानगर नाहरलगुन में रहते हैं, और कभी भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आप लोग को यू नो प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के तरफ से, तो आई वुड सजेस्ट जो गंगा आर के मिशन हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में जो पोस्ट ऑफिस है, बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस है उसके जस्ट अपोजिट साइड में सारा फिजियोथेरेपी सेंटर है, तो प्लीज़ वहाँ पे विजिट करिएगा। वहाँ पे संडे को सिर्फ क्लोज रहता है, बाकी समय में खुला ही रहता है, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक खुला रहता है, बीच में लंच ब्रेक होता होगा। एंड आई वुड से कि जो डॉक्टर था अबू सर, वो बहुत अच्छे हैं एंड हम्बल एंड फ्रेंडली, और या एंड देन इफ व्हेन इट कम्स टू लाइक फ़ी का भी मुझे ठीक ही लगा। कंसल्टेंट फ़ी जो था 200 और जो थेरेपी का जो सेशन था एक सेशन का 500 रुपये करके था, तो मुझे ठीक ही लगा। मतलब तो वही है, अगर आप लोग अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं इन फ्यूचर जस्ट इन केस, तो प्लीज़ डू विजिट सारा फिजियोथेरेपी सेंटर जो कि अपोजिट आर के मिशन हॉस्पिटल या फिर पोस्ट ऑफिस है गंगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड में ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। एंड जैसे मैं हमेशा एंड अप करते वक्त कहती हूँ, कभी हमेशा पॉजिटिव रहे और लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि लाइफ है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, अच्छा बुरा तो लाइफ का एक पार्ट ही है, लेकिन कभी गिव अप ना करें एंड पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। एंड या नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।